और सबसे पहले बात करेंगे श्योपुर की। तो अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब के नशे में भगवान शिव का नाम लेते हुए अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा हमलावर हो गई है और कांग्रेस विधायक के निष्कासन की तक की मांग कर डाली है। उस पूरे विवाद के बीच विधायक बाबू जंडेल ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये साल भर पुराना वीडियो है, उस दौरान हमारी भगवान शंकर और सृष्टि की रचना को लेकर बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत ढंग से पेश किया गया है, वीडियो कार्ड छात करके मुझे बदनाम करने के लिए वायरल किया गया है। विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि भोलेनाथ मेरे भी आराध्य है, इस तरह की बात कहना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता। ये वीडियो मैंने भी देखा, ये साल भर पुराना वीडियो है और मेरे कमरे पे मैं बैठा था और कुछ लोग बैठे थे। जब हमारे पार्वती और शिव जी की धार्मिक चर्चा चल रही थी, मैं शिव भगत हूँ और शिवलिंग पे से हमारी स्टार्टिंग बेस हुई है। तो शिवलिंग की परिभाषा जो मैंने लोगों को बताई, भाई शिवलिंग की परिभाषा क्या होती है, जो हमारी देसी भाषा में जो बातें थी वो मेरा वीडियो काट दिया गया। 15-20 मिनट हमारी धार्मिक शंकर जी की और षष्ठी की रचना की, ऐसी उत्पत्ति की बातें चल रही थी। इसमें मैं एक सीधे प्रकृति का आदमी हूँ, मैं हर आदमी को मेरे मकान पे मैं जगह देता हूँ सोने की, चाहे वो बुरा हो चाहे दारू पीने वाला हो, वो कैसा भी हो, मैं सम्मान करता हूँ, सबको खाना खिलाता हूँ। शिव पुराण में भी लिखा है कि शिवलिंग किसे कहते हैं, शिवलिंग की परिभाषा क्या है, शिवलिंग की अपन पूजा क्यों करते हैं। तो पूरा मेरा वीडियो देखो, उसके बारे में बात चल रही थी और वो हमारी कुछ भाषा मेरी, मैं मंच पे भी बोल देता हूँ तो मेरी जो देसी भाषा है, मेरा कल्चर है, वो मुंह से निकल जाता है। कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, कांग्रेस की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, ये सनातन धर्म को क्या समझेंगे, इनको तो वही अल्लाह अकबर और यही सब दिखता है, तो ये उसी उस पर चल रहे हैं। और भगवान शंकर के प्रति जो उनने गलत बात बोली है, मैं उसकी घोर भर्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। बोलना ही चाहिए, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। उसके साथ इंदौर आएगा तो हम तो उसका मुंह काला करेंगे।